सोलन के निजी शिक्षण संस्थान NFCI द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान द्वारा जिला स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी व्यंजन बनाए और अपनी कला से सभी को हैरान कर दिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की व्यंजन बनाने की कला को सभी के समक्ष लाना और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाना था, ताकि वे आने वाले समय में अपनी रुचि के अनुसार इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। कार्यक्रम में सोलन के व्यवसायी जतन साहनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने निर्णायक मंडल की भूमिका भी निभाई। अधिक जानकारी देते हुए शिक्षण संस्थान के संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जिसमें जिला में चल रहे संस्थान के विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। इस बार विद्यार्थियों द्वारा हिमाचली व्यंजन बनाए गए, जिसमें हिमाचल के 12 जिलों के प्रसिद्ध व्यंजन न केवल बनाए गए बल्कि उन्होंने उसे नए अंदाज में परोस कर अपनी कला से सभी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 5 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। चुने हुए विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हर साल हम एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे हम विंटर फेस्टा कंपटीशन कहते हैं। इस साल भी हमने यहाँ पे मनाया, जिसमें एक ट्रेडिशनल थीम हमने ली है, हिमाचली बच्चों ने बनाया है और अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। लाइक एक स्नो व्यू दे के या एक ग्रीनरी दे के उसे प्रेजेंट किया है। अलग अलग डिशेज आई है बच्चों की तरफ से, अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्स है आपके हिमाचल्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया जिस स्पेसिफिक डिश को किया। इसमें क्या रहेगा कि हर ग्रुप में जिस जो बच्चे टॉप 5 रहेंगे, उसमें हम टॉप 5 को फिर वो कम्पीट करेंगे। हमारी जो अदर ब्रांचेज NFCI की, विच इज 16 ब्रांचेज वी हैव, तो उसके वो 23rd को एक फाइनल राउंड होगा, फिर दे कम्पीट विद देम फॉर द फाइनल राउंड।